ब्राइड मतलब वीकली संडे को दे दो। चलो जरूरी है, एक हफ्ते से पहले साफ तो हो, एक हफ्ते में तो मतलब बन जाता पूरा। पानी बस पानी पड़ जाएगा साफ करते जो आपके काम ये पिछली ट्रे ये सारी चीजें ना इनको आपने लोगों ने पानी खत्म जब पानी डालो तो सरसों का तेल डाल देना मेरा तीन घंटे रख दिया ना। फिर कोई दिक्कत नहीं रख दिया बाकी फ्रिज की ट्रे वगैरह हर ये सारी चीजें हैं। आप एक दिन ट्राई डे मनाया करो सूखा दिवस। घर में सरसों का तेल होता है ना, आप इसमें दो या तीन ढक्कन सरसों के तेल के डाल ताकि जो मच्छर इसमें अंडे दे तो अंडा भारी होता है तेल हल्का होता है, तेल ऊपर परत बना देगा अंडा नीचे चला जाएगा उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उसी में मर जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखना। आपके घर में फ्रिज है उसके नीचे एक बाउल होती है बस ठीक है फिर। और ये कंटेनर है ना गमले वगैरह इनमें पानी इतने ही रखो कि उसने जमा ना हो। आज हमारा एंटी लार्वल एक्टिविटी के लिए आज हम सारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज यहाँ पे सर्वे किया जाएगा कि जैसे यहाँ पे वसंत विहार में बहुत सारे केसेस आते हैं मलेरिया और डेंगू के, तो उसके लिए हमने आज टीम्स बनाई है। सीएम ऑफिस से भी टीम आई और हमारे आशा वर्कर्स की जो हर गली में जाकर एक एक घर में आज सर्वे करेंगी, जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हुआ हुआ है वो सारी चीज़ें आज देखी जाएंगी और चेक करा जाएगा और बेसिक यहाँ पे कारण ढूंढा जाएगा कि यहाँ पे मलेरिया और डेंगू के केसेस क्यों हो रहे हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस बार केसेस जो हैं कम से कम हो ताकि हम इस चीज़ को जल्दी से जल्दी एलिमिनेट कर सकें। वो सर अभी सर्वे करने के बाद ही पता चलेगा कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें देखी जाएंगी कि यहाँ पे लार्वा पाया जा रहा है तो वो हम ज़रूर करवाएंगे। और इसमें जैसे हमारे वसंत विहार एसोसिएशन है उनका बहुत धन्यवाद दिल से कि उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रखा है कि हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं। तो कोविड को लेकर जैसे लगातार रोज करनाल के अंदर केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? सर वो भी हम लोग देखिए एक्चुअली क्या है टेस्टिंग का जो है कोविड टेस्टिंग कम हो रही है तो इसलिए जो एक्टिव केसेस है उनका अभी भी पता नहीं चल पा रहा है। मगर देखिए वैक्सीनेशन साथ के साथ चल रहा है, जितना हम कोविड वैक्सीन का मोटिवेशन करेंगे उतने ही जल्दी जो कोविड के केसेस हैं वो कम हो पाएंगे। सर आज जो सराहनीय काम सबसे पहले कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, इन्होंने कोरोना काल में जो एक भूमिका निभा कर एक ऐसा इतिहास स्थापित किया है जो बहुत ही सराहनीय है। और आप सभी जानते हो कि आशा वर्कर एक ऐसे योद्धा होते हैं जिन्होंने जिनकी उम्मीदों पर एक आशा की नई किरण जागती है। और आज डॉक्टर साहब के द्वारा जो डॉक्टर श्वेता दुआ जी के द्वारा आज हमारे वार्ड नंबर एक वसंत विहार में डोर टू डोर जाकर आशा वर्कर सभी को एक जागरूकता का अभियान चलाने का काम कर रहे हैं और सभी को जागरूकता करके जनता को और जागरूकता बनाने का काम करेंगे ताकि कोई हमारे वार्ड नंबर एक वसंत विहार में कोई डेंगू ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो। इसलिए मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ये
कोरोना जो योद्धा हैं हमारे आशा वर्कर, ये बहुत ही मेहनती और जुझारू होते हैं जो हर कसौटियों पर खरे उतरते हैं और जन जन कल्याण को जागरूक करने का काम करते हैं। और मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ यही कहता हूँ कि ना मुझे मान चाहिए ना मुझे सम्मान चाहिए, ना मुझे मान चाहिए ना मुझे सम्मान चाहिए, भगवान जी मुझे कोरोना मुक्त पूरा हिंदुस्तान चाहिए, पूरा हिंदुस्तान चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद।